असलकुम इस सेशन में हम विजुअल क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे ये तो हम सबको आइडिया है कि आजकल हर चीज़ विजुअल है गाना गाने के लिए या सिंगर बनने के लिए सिर्फ़ अच्छी आवाज़ नहीं बल्कि आपको विजुअली भी अपने बारे में सोचना पड़ता है इसी तरह हो सकता है कि आप लिखने में बहुत अच्छे हों आपका फ़्लो अच्छा हो इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हो क्रिएटिविटी वगैरह लेकिन जब आपने कुछ लिख के पेश करना है स्पेशली ऑनलाइन किसी uh, कोई अपना ब्लॉग बनाना है या कोई अपनी चीज़ प्रोडक्ट uh, पेश करना है तो इट हैज़ टू हैव अ सर्टन आउट ले आउट एंड इट हैज़ टू हैव अ सर्टन अपेयरेंस ताकि लोगों का इंटरेस्ट ले सके आप कंपीट कर रहे हैं बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ हज़ारों लोग हैं जो वहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए आप ज़रूरी है कि उसमें ऐसी कोई बात हो जो इमिडियटली लोगों की अटेंशन ले भी सकें और उसको रिटेन uh, भी कर सके तो उसके बहुत सारे तरीके हैं लेआउट कैसा है फॉन्ट कौन सा कलर्स की स्कीम इमेजज़ एट्सट्रा तो इमेज़ की जहाँ बात हो रही है सेलफ़ोन्स uh, हम सब के पास होते हैं और हम सब यूज़ करते हैं उसमें कैमराज होते हैं तो उसने एक प्रॉब्लम तो हल कर दिया कि आपको हर अपने लिखे हुए के साथ के लिए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं है या ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि पिक्चर्स इसके लिए हम कहाँ से लेके आएँ सो कोई भी फ्लीटिंग मोमेंट हो आप बस में या ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे हैं और आप उसकी खिड़की में से तस्वीरें बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं और उसको अपने लिखे में यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और ऐसी चीज़ सिर्फ ये कि आपको ये देखने वाली आंख चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है जो यूज़ हो सकती है और क्योंकि ये पब्लिश हमने नहीं करनी क्योंकि जब पब्लिश करनी होती है तो उसमें बहुत उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए ताकि वो फट ना जाए जिस वक्त प्रिंट हो तो इसके लिए सेलफ़ोन के कैमरे की भी ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए सेलफोन कैमरे की भी पिक्चर जो हैं वो चल जाती हैं और उसमें भी रेजोल्यूशन की सेटिंग है तो आप थोड़ा सा मीडियम रेजोल्यूशन पे या हाई रेजोल्यूशन पे करके काम चला सकते हैं उसमें अच्छा हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो और आपको कोई ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आए बट आपको इमीडिएटली क्लियर ना हो कि इसका यूज़ क्या हो सकता है हो सकता है आप देखें तो कोई भैंस है उसके सर पे दो चिड़ियां बैठी हुई हैं और आपने भैंसों पे या चिड़ियों पे आर्टिकल नहीं लिखना बट इट मे बी यूज़फुल हो सकता है आप कल को कोई अनयूजुअल फ्रेंडशिप्स के बारे में आर्टिकल लिखें हो सकता है आप किसी अनयूजल पोलिटिकल अलायंस के बारे में कुछ लिखें और उसमें आप ये फ़ोटो डाल दें इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक ह्यूमर भी जनरेट हो सकता है और एक वो सिचुएशन की ऑडिटी या उसका अजीबपन जो है वो भी सामने आ सकता है तो कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो उस पर ध्यान दें या कोई ऐसी चीज़ जो पिक्चर के काबिल ना हो नोट करने के लिए हो तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी तस्वीरों की बनाएं और उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें क्या पता किस वक्त कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो जाए तो आपके पास वो चीज़ हैंडी होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है ये टू uh, थिंक कि हमारा लिखना इतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर कोई चीज़ चल जाएगी दैट डज नॉट हैपन इन ऑनलाइन राइटिंग एंड जर्नलिज्म एनी मोर और उसके अलावा पिक्चर्स में हो सकता है आप कोई चीज़ आसानी से बता दें कम अल्फाज में बता दें जो कि आपको बहुत सारे अल्फाज यूज़ करने पड़े क्योंकि ये ब्रे, ब्रेविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखे हुए में भी झोल आ जाएगा कि अगर आप बहुत लंबी लंबी वजाहतें दे रहे होंगे वही चीज़ अगर आप क्रिस्प और एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू कर सकते हैं तो देट माइट वर्क बेटर एंड यू कैन सेव द राइटिंग स्पेस टू से अदर थिंग्स तो और हो सकता है कोई पिक्चर डायरेक्टली रेलिवेंट आपको लगे कि ये नहीं है लेकिन एक उसका मूड है हो सकता है आप अगर आ, डेथ के बारे में लिख रहे हैं तो आप कोई सनसेट की तस्वीर डाल दें या किसी ऐसे क्वाइट से काम पौंड की तस्वीर डाल दें या अगर आप लिख रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो उसके लिए हो सकता है आप कोई किसी जानवर की तस्वीर आप डालने को सोचें कि इससे एक या कोई आ, लड़ाई का सीन जानवरों का कोई आप डालना चाहें तो हो सकता है डायरेक्टली रेलिवेंट बिल्कुल ना हो लेकिन ये कि उसका मूड तस्वीर का वही हो जो कि आपके आर्टिकल का मूड है तो उसमें भी आप वो डाल सकते हैं क्योंकि दैट्स हाउ पीपल रेकग्नाइज ऑल्सो कई दफ़ा ये होता है कोई चीज़ इंसान ने पढ़ी होती है और फिर उसको आप उसी फोरम पर जाके दोबारा ढूंढते तो आप उसकी हेडिंग नहीं पढ़ रहे होते आप कहते हैं वो वाली पिक्चर कहाँ है ना और उस वाली पिक्चर से आप उसको ढूंढ के फिर क्लिक करते हैं सो दैट्स वाई द कवर फोटो ऑफ अ ब्लॉग एससेट्रा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स हाउ पीपल कैन लोकेट इट दैट्स हाउ पीपल कैन नेविगेट इजिली टू फाइंड इट ऑल्सो तो उसके अलावा यह है कि आपने अल्टीमेटली ऑडियंस को कनेक्ट करना है आप अपनी उसके लिए पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए भी लिख रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कनेक्ट टू एन ऑडियंस और अगर उसमें Uh, कोई ऐसी uh, जो ऑडियंस आपके जहन में उसमें वैसे ही आप चीज़ें डालें जो उनको अपील करें तो देन दैट मेक्स योर टास्क ईजी अगर आप यंग टीन एज बॉयज़ के लिए लिख रहे हैं तो हो सकता है आप डार्क कलर्स यूज करना चाहें अगर आप यंग टीन एज गर्ल्स के लिए लिख रहे हैं तो यू माइट वॉन्ट टू गो फॉर पिंक्स एंड बोज और इस टाइप की चीज़ें जो भी आपके टॉपिक uh, से रिलेटेड हो आई एम स्टेरियो हो सकता है आपके टॉपिक के लिए आप कुछ और करना चाहें बट ये कि कीप द ऑडियंस इन माइंड और ऑडियंस उसी तरह जैसे वो नजर से उसकी चीज़ें गुजर रही हैं तो जो चीज़ उसको विजुअली भी इंटरेस्टिंग लगेगी वो एकदम से उसकी अटेंशन ले लेगी जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट uh, के ऊपर उनका एक हिस्सा है ग्रामर गर्ल के नाम से तो ग्रामर गर्ल में वो उन्होंने लिखने के बारे में एडवाइस दी है बल्कि यू कैन लुक एट इट आल्सो तो व्हेन इट्स एज ग्रामर गर्ल इट सम हाउ हेज़ अ पर्सनल अपील फॉर मी और वो उसका उन्होंने फॉन्ट्स और स्टाइल सारा जरा सा पिंकी सा और इस तरह करके किया हुआ है सो एन ऑल ऑफ़ दीज थिंग्स आर देर ये ऑप्शन हैं कौन सा काम करता है कौन सा नहीं लेकिन आप डिफरेंट उनको ट्राई करें और दीज आर वेपन्स डेट यू कैन यूज टू योर एडवान्टेज अच्छा ब्लॉग राइटर्स जो स्पेशली जो ह्यूमरस हैं या जो मूवीज़ के रिव्यूज लिख रहे हैं तो उसमें जो है जैसे मैंगोबाज हो गए या पढ़लो वाले वो लोग चिप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं जो एक छोटी सी वीडियो होती है जो दोबारा दोबारा उसमें एक ही एक्शन दोबारा दोबारा हो रहा होता है उसको आप जफ़ी डॉट कॉम एक पॉपुलर वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं हम इसको सेशन के एंड पे अभी आपको एक और भी ऑप्शन उसके दिखाएंगे तो वो आपकी जो जो आप बात कह रहे हैं उसमें ह्यूमर ऐड करते हैं ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पढ़ने वाले जो हैं सारे बराबर के पढ़े लिखे हों किताबों की ऑडियंस हो सकता है सारे तकरीबन एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कंटेंट जो है वो बहुत से लोग देखते हैं स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कम पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं कोई शॉपकीपर हैं कोई और मेहनत कर रहे हैं कोई बिज़नेस मैन है जिन्होंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं की तो उनको फिर आप हुक इन करने के लिए और इंटरेस्ट करने के लिए और अपना मूड कन्वे करने के लिए आप जिप्स यूज कर सकते हैं तो इसको अभी हम देखते हैं और आ, उसके अलावा दूसरी बात यह कि अटेंशन स्पेन्स भी हमारे कम से कम से कम होते जा रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए और रिटेन करने के लिए अब ये ज़रूरी है कि आप बहुत सा लंबे लंबे पैराग्राफ्स और लंबा लंबा, लंबा वर्बल कंटेंट देने की बजाय उसको इंटरस्पर्स करें छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएं और उसके साथ पिक्चर्स वगैरह दें ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे और वो जल्दी से उसको पढ़ सकें और इसके अलावा अगर कोई बहुत खूबसूरत तस्वीर है आपके पास वो एक इंप्रेशन भी लोगों के दिमाग में छोड़ देगी हो सकता है लिखा हुआ उन्हें भूल जाए लेकिन वो किसी को कहें कि वो वाला तुमने देखा था तस्वीर बड़ी शानदार है उसके ऊपर and that might be something that makes your uh, writing popular or shared more widely because the picture is so amazing so but i would recommend what i myself do also keep keep your own library of pictures apni tasveeron ki library banaye अच्छा एक और तरीका जो है जिसमें आप आ, अपना मूड कन्वे कर सकते हैं जैसे बोलते हुए आप अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव से कोई बात बताते हैं या अल्फाज के अलावा आप अपने टोन से अपना मतलब कन्वे करते हैं उसी तरह लिखे हुए में फॉन्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉन्ट के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आप क्या किस मूड से जो बात लिखी गई है वो किस मूड से लिखी गई है इसके अलावा बैकग्राउंड कलर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी आप इसी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर्स में जैसे मैंने अभी बात की कि, कि आपकी ऑडियंस कौन है अगर यंगर ऑडियंस है आप पेल कलर्स यूज़ कर सकते हैं अगर यंगर ऑडियंस है तो आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं ब्राइट कलर्स आप यूज़ कर लें अगर आपका टॉपिक ऐसा है लाइफ स्टाइल ब्लागर्स अगर हैं तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिख रहे हैं तो यूजुअली जो ट्रैवल ब्लॉग्स में लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो नेचर में इंटरेस्टेड होते हैं सो यू कैन चूज़ अर्दी टोन्स या स्कायकेप टाइप के टोन्स आप ले सकते हैं सो कीप योर ऑडियंस इन माइंड ऑलवेज़ कीप योर ऑडियंस इन माइंड क्योंकि अल्टीमेटली यू दिस इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट पीपल टू क्लिक ऑन अगर उसको जितना लोग क्लिक करेंगे लाइक करेंगे उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी ये कुछ सैम्पल्स हैं आप देख सकते हैं आई सॉ वॉट यू डिड एक कॉमिक uh, सॉन्ग्स में लिखा हुआ है उसका डिफरेंट इफेक्ट है आई सॉ वॉट यू डिड के कलर्स डिफरेंट करके आई और यू ये uh, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है लेकिन ये मेरा ख्याल था कि ये थोड़ा सा स्केरी सा हॉरर मूवी टाइप लुक है आई सॉ वॉट यू डिड जो तीसरा वाला है दैट्स अ लिटल कैजुअल सा फ्रेंडली सा और आखिरी वाला जो आई सॉ वॉट यू डिड दैट्स अ नोटी टाइप थिंग बेस्ड ऑन द कलर एंड द फॉन्ट अच्छा जिफ़ी डॉट कॉम इज़ वेरी पॉपुलर हो सकता है आपने देखा हुआ अभी हो इसलिए हमने आपके लिए ये दूसरे एक और वेबसाइट दिखा रहे हैं बफर डॉट कॉम है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमने हैप्पी वाली जिप्स पे अभी क्लिक किया हुआ ये कुछ लोग खुश हो रहे हैं हो सकता है आपने किसी मैच के जीतने के या किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हो और उसमें आप ये बीच में ही अपनी इमेज डालना चाहें इसी तरह थैंक यू के बारे में अगर आपने आपका टॉपिक ऐसा कोई है तो आप थैंक यू के जिप्स निकाल सकते हैं मोस्टली इनका जो मूड होता है वो फ़नी होता है ह्यूमर के लिए ही यूज़ हो सकते हैं अगर हलो के लिए हैं वो भी है एक्साइटेड इज़ द वन दैट सिमिलर टू दिस वन डांस अप हाई फाइव तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसी तरह और भी आप टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लोर करें तो आपको उनसे रिलेटेड जिप्स मिल जाएंगी ये त्यार शुदा होती हैं छोटी सी होती हैं इतनी हैवी फाइल्स नहीं होती यू कैन ईज़िली एड दम टू योर ब्लॉग इन्जॉय